जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र जो मेरे से पहले बेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, साथ ही जो बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में 10th क्लास पास किए हैं या 12th क्लास पास किए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। लाडलो कि परिंदे को मंजिल मिलेगी, यकीनन उसके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमारी जो पहला बेच था उसकी कामयाबी के बाद अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार बेच की, नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए। आप पीछे देख सकते हो गारंटी बेच बिल्कुल फ्री फ्री, क्योंकि ये इसके पीछे कौन कौन आ सकता है बिल्कुल फ्री में, और कौन से बच्चे हैं जो तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ एनडीए नेवी और एयरफोर्स की। तो लाडलो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। उसके बाद में जो नीचे आपको नंबर दिया गया है हेल्पलाइन या कॉलिंग, उस पे कॉल करना। उससे पहले आपको कॉल नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को जितने भी आपके छोटे बंधु भाई उन सभी तक शेयर करना है जो इस बार अब नेवी और एयरफोर्स या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, या जो 10th क्लास पास किए या 12th क्लास पास किए, उन सभी को शेयर करना है। तो जो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गारंटी बैच, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर गारंटी बैच का मतलब क्या हुआ, कि आप 100% नौकरी लगा के दोगे। एक मेरे से बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर आप कमांडो पोस्ट पे थे फिर भी आपने फोर्स से 5 साल में रिजाइन क्यों कर दिया। देखिए उसके पीछे जो जवाब है वो ये है, जवाब ये है कि आज मैं उन गरीब परिवार के छात्रों को जिंदगी में एक मुकाम दे सकता हूं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, और उनको 100% उनके माता पिता को भी बच्चे की नौकरी चाहिए, बच्चे को भी नौकरी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा मान के चलिए कि 16 साल की 17 साल की एज में एक नादानिया करता है, उसको जीवन के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता जितना उसके माँ बाप को अनुभव होता है। तो माँ बाप के लिए सबसे खास ये जरूरी रहता है कि जिस संस्था में वो बच्चों को छोड़ रहे हैं क्या वो संस्था परिणाम देती है, या क्या उस संस्था के संचालक पे आपको विश्वास है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मेरे बारे में आप सभी परिचित है, और हमारा जो रिजल्ट है पहला एसएससी जीडी के 51 में से 40 बच्चे पास, ये होती है गारंटी। 90% रिजल्ट रखना पहले ही बेच में, यानी पहले पेपर में 51 में से 40 बच्चों को पेपर में पास करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनका अनुभव जुड़ता है, साथ ही हमारी जो संस्था है, पहले तो आपको बता दूं ये कुचामन सिटी राजस्थान में है, जहां पर आप इसको शिक्षा नगरी बोलते हैं। तो आपके लिए यहां पर नेवी एयरफोर्स की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो। देखिए किस प्रकार से फ्री है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं गारंटी बेच की परिभाषा मैंने बता दी है कि आप 51 में से जब पहले बेच में हम 40 बच्चों को पास करा सकते हैं, तो इससे ज्यादा आपको गारंटी की कोई उम्मीद रखने की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। अब कौन कौन आ सकता है इसके बारे में बताता हूं, साथ ही पहले आपको बता दूं ये अकेडमी कुचामन सिटी राजस्थान में है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से पहले एक बार ये वीडियो अंत तक देख लीजिए लाडलो, ठीक है, कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के हो तू वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और फेंक देना है भाला मेरे साथ लाडलो। चलिए बताते हैं सबसे पहले कौन कौन आ सकता है इसके बारे में, कि इस बेच में यह है शौर्य बेच कमांडो अकेडमी की तरफ से, कौन कौन आ सकता है लाडलो देखिए। सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया वो समझाता हूं, उसके बाद में आपको सारी चीजें समझा देता हूं। जिस बच्चे की एज 16 साल से लेकर 19.5 साल है, और जिसको एनडीए नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करना है वो छात्र आ सकते हैं। जिसकी एजुकेशन अगर 10th+2 है वो आ सकता है, अगर उसको वाई ग्रुप की तैयारी करना है, भले वो कोई से भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन उसको अगर नेवी की तैयारी करना है या एनडीए की तैयारी करना है तो पीसीएम सब्जेक्ट से उसके 60% पास होना चाहिए लाडलो। पीसीएम से 60% पास, यानी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री से 60% उसके कम से कम मिनिमम बने हो। अब जो बच्चा 10th क्लास में पास कर रहा है, जिसको अगर वो 11th क्लास भी हमारे यहाँ रहकर करना चाहता है, 12th क्लास भी करना चाहता है, तो वो छात्र भी आ सकता है, और साथ में अगर वो एनडीए की तैयारी करना चाहता है तो वो इस एज क्राइटेरिया से अगर नीचे है तो वो छात्र भी आ सकता है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि फ्री में गारंटी बेच कैसे, इसका भी आपको मैं आगे प्रूफ दूंगा कि कैसे। 100% आज तक हमने जो बोला है वो करके दिखाया है, आज तक जो बोला है वो करके दिखाया, इस बार भी करके दिखाएंगे कि दरिया तेरी घेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और बुझ दे समझ लहरों को, लहरों ने बगावत कर ली है,
हम परवाह नहीं है मौत समा मरने का, किसको खूप यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप समझ गए होंगे क्राइटेरिया, जिस बच्चे को नेवी एयरफोर्स की तैयारी करनी है उन सभी को पता है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, या जो टेंथ क्लास पास किया उस बच्चों को मैंने बता दिया। अगली जो चीज है कि किस किस की तैयारी करवाई जाएगी, तो एनडीए इस बेच में, ये बेच ध्यान रखना, जो हमारा पुराना जो बेच चल रहा है गारंटी बेच वो अलग है, ये सिर्फ नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए है। ये जो बेच है ये सिर्फ नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए बेच चला लो। इस बेच में किस किस की तैयारी कराई जाएगी, तो मैं बता दूं आपको, एनडीए एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों, नेवी में डबल ए और एसएसआर दोनों की आपको बता दूं, डबल ए की जो मेरिट बनती है सेंट्रल लेवल पे, एसएसआर की स्टेट लेवल पे मेरिट बनती है। साथ ही एमआर कोस्ट गार्ड, जो बच्चा टेंथ क्लास में पास है और उसको भी अगर नेवी की एमआर की तैयारी करना तो वो लाडला भी आ सकता है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनकी संस्था का इतना खतरनाक रिजल्ट रहा है 51 में से 40 बच्चे पास, वो संस्था अपनी फीस बढ़ाने की बजाय फ्री में ट्रेनिंग देने को तैयार है, फ्री में तैयारी कराने को तैयार है, तो ऐसा कैसे? इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो सोल्व कर देंगे। साथ ही इसका जो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, हाइट इसकी 157 सेमी, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जिस बच्चे की हाइट कितनी चाहिए इसमें 157 सेमी ही चाहिए बेटा इसमें हाइट। इसके अलावा रनिंग इसमें होती है 1600 मीटर, 7 मिनट का समय दिया जाता है, 10-20 उठक बैठक और 10 पुशअप होती है इसके फिजिकल में, ये होता है इन सब का फिजिकल, इससे बार कुछ नहीं होता, बहुत ही इजीली। तो आपके दिल में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि जिस संस्था ने 51 में से 40 बच्चों को पास करा दिया वो अपनी फीस बढ़ाने के बजाय फ्री में तैयारी, क्योंकि आप सभी को बता दो लाड दो, हमारी अपार सफलता मिली मुझे एसएससी जीडी के पहले बेच में, और साथ ही अगला जो नेक्स्ट बेच आने वाला हमारा एसएससी जीडी का, उसमें भी गारंटी हमारी 100% रिजल्ट की, उसका भी बेच चल रहा है, उसके भी बेच हमने एसएससी जीडी 2023 के बेच अभी से शुरू कर दिए, आर्मी के बेच चल रहे हैं, गारंटी बेच, हम गारंटी बेच में तैयारी आपको बता दिया। गारंटी का महत्व तो ये होता है कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है, हमारे यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो आपको इस अनुरूप ढाल देगी कि आपकी नौकरी लगना ये नहीं 100% है कि आप बिना नौकरी के यहाँ से जाओगे नहीं, ठीक है, वही गारंटी होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दलाल है जो पैसे देके कहीं पे आपकी नौकरी लगा दे, ऐसा नहीं, हम आपको वो क्लाइमेट देते हैं, वो वातावरण देते हैं पढ़ने के लिए, ऐसी पढ़ाई देते हैं, ऐसी एजुकेशन देते हैं, फिक्स नोट्स देते हैं, लिमिटेड चीजें देते हैं, और फिक्स डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी को दिल्ली से जयपुर आना है तो उसी ट्रैक पे चलेगी तो जयपुर आएगी, ट्रैक चेंज हो जाएगा तो जम्मू चली जाएगी, तो हम आपको उसी ट्रैक पे डालते हैं, इसीलिए परिणाम आता है, इसी का नाम गारंटी बेच है। गारंटी बेच का मतलब है कि पेरेंट्स के साथ हमारी जिम्मेदारी रहती है आपके बच्चे की, कि भाई किस प्रकार से हम प्रूफ देते हैं, आपको वीडियो प्रूफ देते हैं कि आपके बच्चे के टेस्ट में कितने नंबर आए, उसकी प्रोसेस क्या चल रही है, पहले टेस्ट से सेकंड टेस्ट में कितना बदलाव आया, उसके क्लास नोट्स कैसे बन रहे हैं, एडी से लगा के चोटी तक का पूरी की पूरी जानकारी आपके पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं। जितने भी हमारे अकेडमी में लगभग अभी 250 बच्चे हैं, उन 250 बच्चे के हम चैलेंज करते हैं कि आप उनके में से किसी के पेरेंट्स से भी बात कर लीजिए आके, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आपको हमारी जो फीस है, अभी जो पिछला जो हमारा गारंटी पे चल रहा है उसकी फीस थी 1,20,000 रुपए, और जो कि अभी भी है जिसको ऑल एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए अभी भी 1,20,000 रुपए नेवी एयरफोर्स वालों के लिए फ्री कैसे मैं बताता हूं, ठीक है, तो उनको डबल देने के लिए तैयार है अगर पेरेंट्स कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हमसे, तो ये वादा है हमारा। आगे चले, अब बात करते हैं हॉस्टल सुविधा की, क्या क्या हॉस्टल सुविधाएं फैसिलिटीज मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर एजुकेशन से अगर बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के हम दो दो टीचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप चाहे एक्स ग्रुप की तैयारी करो, वाई ग्रुप की करो, या नेवी एसएसआर की करो, या डबल ए की करो, या एनडीए की करो, हम हर एक सब्जेक्ट के डबल डबल टीचर रखते हैं, ताकि अगर आपको एक टीचर की लैंग्वेज या थ्योरी समझ में नहीं आती तो कम से कम आप दूसरे की समझ सको। लाइब्रेरी की सुविधा रहती है, साथ में टेस्ट, क्लास नोट्स, डाउट सोल्व, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे परिणाम नहीं होता ये आपको भी पता है, लेकिन हॉस्टल में मैं आपको बताऊं जो सुविधाएं रहती है और हॉस्टल का चार्ज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं हॉस्टल की हमारी जो सुविधाएं रहती है, सब पूरे दिन में, पूरे दिन का रूटीन बताता हूं। हॉस्टल में रहने वहने की व्यवस्था, एक रूम में 4 से 5 बच्चे रहते हैं, आपको बता दूं, उसके लिए टेबल वेबल, उसको बेड वेड, सारी सुविधाएं हमारी तरफ से रहती है, उसको घर से सिर्फ अपने निजी सामान के अलावा कुछ नहीं लाना, बाकी पूरी सुविधाएं हमारी है। खाने पीने की अगर बात करें तो आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, बाकी आपको बता दूं सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलता है जिसमें सप्ते में 3 दिन चना मूंग अंकुरित दूध और केला मिलता है, दोपहर में 2 सब्जी रोटी और छाछ मिलती है, शाम को दाल रोटी चावल या कड्डी या चटनी, ये ऑप्शन में रहते हैं। संडे टू संडे आपको सभी को पता है कि स्पेशल डाइट रहती है, स्पेशल डाइट में ऐसा नहीं कि खीर पूरी रहती है ना, दाल बाटी चूरमा,
मटर पनीर की सब्जी या स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना जो हो सकता है, लजीज से लजीज वो रहता है संडे को, क्योंकि हम जो सुबह का ब्रेकफास्ट देते हैं वो आपकी सेहत के लिए भरपूर बहुत ही शानदार प्यारा नाश्ता है, क्योंकि चना मूंग दूध और केला अंकुरित आप रेगुलर खाओगे आपके पूरे शरीर में जान रहेगी भाई, ठीक है। फिजिकल ग्राउंड रहता है, कमांडो ट्रेनर इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब बात करें ये हॉस्टल की सुविधा है, हॉस्टल में आपको किसी भी, हम चैलेंज करते हैं जितने भी पेरेंट्स आते हैं उन सभी को या जो बच्चे आते हैं उनको, कि आपको अगर हमारी रहने की खाने की या एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो हम आपकी फीस जितनी लेते हैं उसका दुगना पैसा देने को तैयार है, जितनी आपकी फीस लेते हैं उससे दुगना पैसा देने को तैयार है अगर आपको रहना खाना और पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, अंत में मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद फिर आप कॉल लगा लीजिए भाई हेल्पलाइन नंबर पे। देखिए एडमिशन चार्ज अगर मैं आपको बताऊं तो जीरो है एडमिशन चार्ज, कोई भी एडमिशन चार्ज है नहीं, बिल्कुल जीरो एडमिशन चार्ज है। अब आप बोलोगे सर एडमिशन चार्ज भी जीरो है और हॉस्टल चार्ज क्या है, देखिए हॉस्टल का तो आप सभी को पता है अगर आप खाओगे तो उसका चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आज के समय में इंसान के लिए एक परिवार को चलाना मुश्किल है तो 400-500 बच्चों का पेट भरना हमारे लिए भी मुश्किल है, तो हॉस्टल चार्ज तो जरूर लगेगा। अब मैं बात करते हैं कि एडमिशन चार्ज बिल्कुल जीरो है, अब बात करते हैं फीस की कि फीस कितनी है। आप बोलोगे गुरु जी आपने जीरो बताई थी, बिल्कुल जीरो है कब, अगर आपकी नौकरी नहीं लगे तब, तो मैं आपको बताऊं फीस है हमारी 30,000 रुपए और अगर 2 साल के अंदर आपकी नौकरी नहीं लगती तो ये 30,000 वापस है, यानी 100% रिफंड, 100% रिफंड बेच है। अगर 2 साल के अंदर आपकी नौकरी नहीं लगती तो 30,000 फीस है, 30,000 वापस रिफंड, और ये आपको लिखित में मिलता है, इसका प्रूफ मिलता है कि अगर 2 साल में आपका बच्चा नौकरी नहीं लेता तो हम फीस के तौर पर आपसे 30,000 रुपए लेते हैं और वो वापस आपको 30,000 रुपए रिफंड कर देते हैं, यानी 100% रिफंड, ऐसा बेच आपने कहीं नहीं देगा। अब बात करें हॉस्टल चार्ज की तो मैं आपको बता दूं हॉस्टल हर महीना का जो चार्ज है वो 6,000 रुपए हॉस्टल चार्ज है, जिसमें आपका रहना खाना सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। अब ये आपके प्रति महीना चार्ज लगेगा, ये केवल एक बार लगेगा, एक साथ पेड है, अगर 2 साल में आपका बच्चा नौकरी नहीं लगता है तो आपको 30,000 रुपए वापस मिलेंगे, इसका आपको प्रूफ दिया जाएगा। ये है पूरी की पूरी एडमिशन प्रक्रिया, 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा, अब रहना खाना तो आप कहीं पे भी रहोगे बेटा वो पैसा तो आपका लगेगा। अब जिस भी बच्चे जो भी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं इस पे कॉल करके, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी मैं बताऊं ये बैच स्पेशली केवल नेवी एयरफोर्स के लिए। हमारी अकेडमी कुचामन सिटी राजस्थान, जो कि लगभग जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी से और अजमेर से भी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारा जो नीचे नंबर आपको शो हो रहा है इस पे कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। लाडलो जय हिंद जय भारत।